और क्या क्या इनको इसमें अच्छा लगा क्या बुरा लगा तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले जनता आपसे जानना चाहती है कि कौन कौन सी कार कंसीडर की थी ये कार लेने से पहले और टीएगो ही क्यों कंसीडर की ओके okay. तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि जो मेरा बजट था इस गाड़ी को लेके या फिर जब मैं गाड़ी परचेज करना कंसीडर कर रहा था तो मेरा काफ़ी टाइट बजट था आठ लाख तक का मेरा बजट था और उस बजट में गाड़ियाँ या तो पंच थी एल्ट्रोज थी बलानो थी स्विफ्ट थी गाड़ियाँ तो मतलब थी काफ़ी थी बट मैं मेजरली टियागो की तरफ इसलिए गया क्योंकि मेरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी इस गाड़ी में फुलफ़िल हो रही थी मेरे पास ऑलरेडी मारुति की गाड़ी थी ऑल्टो के टन थी मेरे पास तो उसको इतना चलाने के बाद मैं मैंने 12 साल वो गाड़ी रखी इतना चलाने के बाद मेरे को ये तो हो गया था कि अब दोबारा मारुति की गाड़ी तो मुझे नहीं लेनी तो मारुति वास आउट ऑफ द विंडो हिंडे uh, में अगर मैं जा सकता था तो मैं ग्रेड ग्रैंड आई टेन पर जा सकता था लेकिन उसका भी जो बजट है जो मेरे बजट में उसका वेरिएंट आ रहा था नहीं का उसमें फिर फीचर्स कुछ भी नहीं मुझे मिल रहे थे तो ये सब बेसिक रीजन्स थे जिनकी वजह से मैंने टेगो को कंसिडर किया क्योंकि इसमें मेरे रिक्वायरमेंट्स लगभग सभी फुलफ़िल हुई और जो जो मेरे चेक पॉइंट्स थे उस सबको इसने टिक किया तो दूसरा क्वेश्चन है कि कितनी कॉस्ट आई आपको इस कार की क्या क्या आपको डिस्काउंट मिला ओके okay. तो ये आ, टियागो का XT रिदम वेरियंट है टियागो आई सी एन जी का XT रिदम वेरियंट अब टाटा में फेस्टिव ऑफ़र चल रहा था सेप्टेम्बर में फेस्टिव ऑफ़र आने से पहले इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस था वो अराउंड एट पॉइंट फाइव फाइव लैक्स के अराउंड रहता था फेस्टिव ऑफ़र इंट्रोड्यूस करने के बाद इसका प्राइस हो गया ऑन रोड 8.33 पॉइंट के अराउंड तो जब मैं गाड़ी की बात करने के लिए गया डीलरशिप पे और जो फ़ाइनल डिस्काउंट उन्होंने मुझे ऑफ़र किया जिसके बाद मैंने गाड़ी बुक कराई उनके पास तो वो उन्होंने ऑफ़र मुझे इतना अच्छा दे दिया कि मैं वहाँ पर मना नहीं कर पाया मेरे को ये गाड़ी ऑन रोड पड़ी है सेवन एटी फाइव थाउजेंड की जो कि इसका के लिए तो बहुत अच्छा प्राइस है ये जी और स्पेशली एक्सटी रिदम पैक के लिए हाँ इसमें आपको सारे ही फीचर मिल जा रहे हैं जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि एक्सटी रिदम वेरियंट ही क्यों लिया और भी इसके वेरियंट्स आते हैं इससे नीचे भी कम प्राइस में भी आपको एक्चुअली वेरियंट्स कुछ मिल जाते तो एक्सटी रिदम वेरियंट पर जाने का क्या रीज़न रहा है मेन देखिए जैसे कि मेरी रनिंग ज़्यादा रहती है तो मुझे सी तो लेनी ही लेनी थी तो सी में इसका एक्स ई वेरियंट आता है जो इसका बेस वेरियंट रहता है ओके उसके बाद एक्स एम आता है एक्स टी आता है और फिर एक्स टी एकदम आता है इसके ऊपर सीधा इसका एक्जेड वेरियंट आता है जो इसका टॉप वेरियंट रहता है बिल्कुल अब क्योंकि मेरे पास ऑल्टो केटेन थी पहले से और बारह साल मैंने उस गाड़ी को चलाया वो गाड़ी ऑलमोस्ट फीचरलेस थी <laughs> <laughs> तो ये चीज़ तो पहले से ही डिसाइडेड थी कि अब की बार जो भी मैं गाड़ी लेने वाला हूँ उसमें okay. कुछ कुछ बेसिक फीचर्स मेरे को चाहिए ही चाहिए सबसे पहले जैसे कंपनी फिटेड स्टीरियो हो गया जिसमें एंड्रॉयड ऑटो एपल कारप्ले वगैरह का सपोर्ट हो वो मेरे को चाहिए मेरे को बाहर से नहीं लगवाना चाहता था मैं ऑल दो मैं छोटा वेरियट लेके बाहर से भी लगवा सकता था हाँ मुझे भी पर्सनली ये बाहर से एक्सेसरीज़ लगवाना बिल्कुल पसंद नहीं है जो कंपनी की फ़िट एंड फिनिश रहती है वो आई थिंक सबसे बेस्ट रहती है फिर उसके ऊपर प्लस पॉइंट मुझे ये भी हो गया ना मेरे को ये उसी प्राइस पॉइंट पर मिल गई जिसपे नॉर्मल बिना स्टे, बिना स्टीरियो वाली गाड़ी आती मेरे को जो इसका एक्स वाला वेरियंट आता है ऑलमोस्ट उसके ऑन रोड प्राइस पे मुझे एक्सटी रिदम मिल गई हाँ टाटा ने काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स दिए एक्चुअली इस फेस्टिव सीजन में हाँ तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया तो मुझे स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी चाहिए थे मुझे मल्टी मीडिया सिस्टम भी चाहिए था अच्छा स्पीकर सिस्टम चाहिए था तो ये सारे चेक पॉइंट्स इस गाड़ी ने क्लियर किए और हमारी जो ऑल्ट्रा के टेंथ थी उसमें बूट स्पेस का बड़ा इशू रहता था तो इसमें काइंड ऑफ थोड़ा बहुत यूज़ करने लायक बूट स्पेस भी हमें मिल रहा है सी एन जी के साथ साथ तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और जो और वी एम्स है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है ये फीचर तो अ, मेरा टॉप ऑफ द लाइन था कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए ये और मल्टी मीडिया सिस्टम तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जब इस गाड़ी ने मेरी फुलफ़िल कर ही दी इतने अच्छे प्राइस पॉइंट पे तो मैं मेरे मन में कोई दुविधा रही नहीं कि अब कौन सी गाड़ी पे जाना चाहिए हाँ अब मुझे लगता है काफ़ी अच्छा डिसीजन है आपका जी आपने टी सेलेक्ट की एक कॉम्पैक्ट कार के हिसाब से देखें तो टियागो वन ऑफ द बेस्ट कार्स अभी अवेलेबल है मार्केट हाँ, में हमारी छोटी तो, फैमिली के हिसाब से काफ़ी सही है स्पेस भी अच्छा खासा है हाँ हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आपने माइलेज इसकी चेक किया अभी तक की माइलेज कितना देती है कार ओके okay. माइलेज uh, की अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो इसकी पहली सर्विस भी अभी तक हुई नहीं है गाड़ी अभी तक सिर्फ 800 किलोमीटर के अराउंड चली है हाँ हाँ बिल्कुल फिर भी फ़िलहाल तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है इसमें टैंक टू टैंक माइलेज इसकी मेरे को सिटी में ट्वेंटी टू के राउंड मिल रही है और ऑन हाईवे वे ये मेरे को ट्वेंटी फाइव प्लस माइलेज अभी दे रही है काफ़ी अच्छी है माइलेज वैसे जी और आई थिंक सर्विस के बाद थोड़ा और इम्प्रूव ज़रूर होगी है हाँ ज़रूर होगी तो मुझे बताइए आपको पॉजिटिव पॉइंट्स क्या लगे इस कार के बारे में ओके तो इस गाड़ी के पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला पॉजिटिव हो गया कि जिस प्राइस पॉइंट पे मुझे ये गाड़ी मिली है उस प्राइस पॉइंट पे विद सी एन जी आई डोंट थिंक किसी भी गाड़ी में इतने ज़्यादा फ़ीचर्स ऑफर होते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही हो गया कि इसमें इस प्राइस पॉइंट में मुझे कंपनी फिटेड स्टीरियो सिस्टम मिल रहा है जिसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कापल दोनों का ही सपोर्ट है स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल रहे हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओ आर मिल रहे हैं और ये ऑलमोस्ट अलॉय व्हील्स की लुक वाले मुझे स्टील रिम व्हील्स मिल रहे हैं जो कि दिखने में बिल्कुल एलोई व्हील्स जैसे लगते हैं ऑल ये है व्हील कवर बट दिखने में काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं उसके अलावा इसका जो ए है वो बहुत पावरफुल है मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं रही ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मुझे इस गाड़ी का लगा और फिर बूट स्पेस भी मिल जाता है तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने इस गाड़ी को कंसीडर किया तो ये तो हो गई पॉजिटिव्स की बात जी अब हम बात करते हैं नेगेटिव की इस कार में नेगेटिव क्या लगा है अब तक आपको ओके ठीक है पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा है बट उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव भी हैं इस गाड़ी के जिसमें सबसे बड़ा नेगेटिव जो अभी तक मुझे फील हुआ है वो ये कि जो इसका गेयर नोब है उसमें थोड़ी वाइब्रेशन है और मेरे ख्याल से नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा है टाटा -टा की गाड़ियों में यूजुअली होती है ये इशू रहता है एक्चुअली काफ़ी लोगों की शिकायत ये रहती है कि गेयर नोब इसका वाइब्रेट करता है हाँ इन्होंने इम्प्रूव तो किया है बट आई थिंक अभी भी

रे सीट्स का जो कंफर्ट है वो थोड़ा इंप्रूव हो सकता था भाई सब लॉन्ग ड्राइव में शायद थोड़ा इश्यू हो सकता हाँ, है लॉन्ग ड्राइव में। बाकी शॉर्ट ड्राइव में इतना ज़्यादा आई थिंक फील नहीं होने वाला है नहीं 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 तो टियागो एक बहुत ही अच्छी कार है बट इसके साथ साथ कुछ और कार्स भी हैं जो इस बजट में आप कंसिडर कर सकते हैं जैसे पहली है हुडे ग्रैंड आइटर न्योस जो अब ड्यूअल सिलेंडर सी के साथ आती है और अच्छा खासा बूट स्पेस आपको उसमें मिल जाता है बट उसका नेगेटिव मुझे ये लगता है कि उसमें स्पेयर व्हील हटा दिया गया है तो उस मामले में अगर आप देखेंगे टियागो में अभी भी आपको स्पेयर व्हील मिलता है उसके साथ साथ बिग क्वालिटी भी हाँ बिल्ड क्वालिटी ऑफकोर्स टियागो की मच बेटर है हुडे अगर ग्रैंड आइटन नियो से आप कंपेयर करेंगे जी। और कौन कौन सी कार आप सजेस्ट करना चाहेंगे इसके अलावा मैं सजेस्ट करना चाहूँगा या नहीं ये तो एक क्वेश्चन अलग है बट हाँ इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप गाड़ियाँ देखेंगे तो आपको मिल जाएगी सिलेरियो स्विफ्ट मिल जाएगी अगर आप फीचर्स के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप छोटा रेंट ले सकते हैं बेलनो का भी एल्ट्रोज का भी आपको पंच भी मिल जाएगी इस प्राइस पॉइंट के आसपास तो ये सब गाड़ियाँ आप कंसिडर तो कर सकते हैं अब डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कौन सी गाड़ी उन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल आई थिंक अगर बिल्ड क्वालिटी आपका एक प्रायोरिटी है तो आपको टाटा की कार्स कंसिडर करनी चाहिए और टी इसमें बिल्कुल फिट बैठती है बिल्कुल और अगर आपको चाहिए कि परफॉर्मेंस बेटर है तो मारुति की तरफ जा सकते हैं इंजन ज़्यादा रिफ़ाइंड है मारुति के और होंडई आपको थोड़ा थोड़ा सब दे देता है उसके इंजन भी काफ़ी रिफ़ाइंड है और बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है फिट एंड फिनिश अच्छी रहती है हुंडई की बाकी टियागो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप लेना चाहें हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा टीआगो को परचेज़ करने में और अभी तक कोई शिकायत नहीं है बिल्कुल अगर कोई अपडेट होगी ज़रूर हम आपको देंगे टिल देन सी यू गाइज